No, we didn't. एक दो साल में कोल सेक्टर इंडिया लिमिटेड अकेला सब 4000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विगत 4 वर्षों में देता रहा है, 24-25 तक उत्पादन में आ जाते हैं कोल वगैरह है तो एड वेलोरम है तो इस पर रॉयल्टी का रेट नीति है उसके तहत मिलेगा। तो सर इसमें कोल इंडिया लिमिटेड स्वयं सेक्रेटरी साहब, आज मैं और हमारा भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर्स मंत्री और मेरा बहुत प्रिय मित्र अर्जुन मुंडा जी, हम दोनों माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम मिले थे। एक कोल बेरिंग एरिया है झारखंड, कोल इंडिया के 3 कंपनी इधर काम करते हैं। तो कुछ इश्यूज था लैंड एक्विजिशन का, ट्रांसपोर्ट चलन का, रॉयल्टी का, ये सब हमने बातचीत करके हमने सॉल्व कर दिया है। और यहाँ तक लैंड एक्विजिशन का कंपेंसेशन का सवाल था, उसमें कुछ कंफ्यूजन था। मैंने आज मुख्यमंत्री जी के और अर्जुन मुंडा जी भी ये प्रॉब्लम मेरा ध्यान में लाया था, वो मद्देनज़र रखते हुए हमने आज एक निर्णय किया है और घोषित भी किया है कि जो कुछ भी लैंड हमारे पोजीशन में आएगा और ऑलरेडी पोजीशन में है वो लैंड के लिए हम गाइडेंस वैल्यू के एग्रीकल्चरल लैंड के गाइडेंस वैल्यू पे आधार पर तुरंत राज्य सरकार को हम कंपेंसेशन दे देंगे। और जहाँ तक हमारा अधिकारी कह रहे हैं हमारे पोजीशन में अराउंड 1800 एकर्स लैंड हमारे पोजीशन में है, उसका हम तुरंत एक बार रिकंसिलेशन करके तुरंत हम इसका कंपेंसेशन देने का राज्य सरकार को जो हम देने का है लैंड के वो तुरंत शुरू कर देंगे। और आज हमने 250 करोड़ इसके बाद में शुरुआत के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से बरसों से पेंडिंग था, एक कारण से हम शुरुआत में 250 करोड़ प्लस 48 करोड़ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में टोटल अराउंड 300 करोड़ हमने आज जमा भी किया है। और माननीय मुख्यमंत्री से हम दोनों विनंती भी की है कि कमर्शियल कोल माइनिंग जो है इससे भी बहुत, क्योंकि 30 बरस के बाद कोयला का स्थिति क्या होता है किसी को पता नहीं, कि दुनिया के कोयला गलन करके बर्न करके पावर जो प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बहुत आंदोलन वगैरह चल रहा है, इसलिए 25-30 ईयर्स में इसको हमको कंप्लीट करना है। ये निवेदन रखते हुए हमने उनको ये भी निवेदन किया है जो कुछ भी प्रॉब्लम माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सामने रखे थे वो सब प्रॉब्लम हम स्पॉट सॉल्व किया है।